कौन से स्टॉक में करना चाहिए इस हफ्ते इन्वेस्ट और क्या होनी चाहिए हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। नमस्ते, वेलकम टू ट्रेड से पहले, जहां हर सोमवार सुबह मैं आपकी होस्ट ब्राह्मी कपासी आपके साथ शेयर करूंगी मार्केट से जुड़ी सबसे इम्पोर्टेंट इनसाइट और हमारा स्टॉक रिकमेंडेशन बस कुछ ही मिनटों में। पर आप ये अपडेट कभी भी मिस ना करें, इसलिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड क्लिक ऑन दी बेल आइकन। लास्ट वीक मार्केट क्लोज ऑन नेगेटिव नोट, जहां दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी ने -0.61% और -0.79% के डिक्लाइंस एक्सपीरियंस किए। निफ्टी का रीसेंट प्राइस एक्शन हायर टाइम फ्रेम पर है, जो कि डिमिनिशिंग स्ट्रेंथ बताता है। लेवल्स की बात करें तो 19500 का लेवल एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और 19250 से 19300 के अराउंड हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जानते हैं इस हफ्ते आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। फिलहाल मार्केट सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, जिसने पास्ट में ज्यादातर नेगेटिव आउटकम्स ही दिए हैं। निफ्टी इंडेक्स जब तक 19500 के क्रिटिकल लेवल से नीचे तब तक वीक ही रह सकता है। निफ्टी अगर 19500 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर लेती है तो ये बेरिश व्यू नेगेट हो सकता है और निफ्टी 19800 या 19900 तक भी जा सकता है। जब तक ये नहीं होता तब तक मार्केट सेल ऑन राइज डायनामिक से इजीली इन्फ्लुएंस होता रहेगा। BSE नोटिफिकेशन के अनुसार जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 21 अगस्त को मार्केट में लिस्ट होगा। वही जगह 22 से 24 अगस्त PM मोदी जोहान्सबर्ग में BRICS समिट अटेंड करेंगे। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी द डिस्कशंस फ्रॉम द समिट। एंड नाउ ऑन टू योर फेवरेट पार्ट ऑफ द शो, स्टॉक रिकमेंडेशन ऑफ द वीक। इस हफ्ते हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं हुडको का स्टॉक टू बाय विद इन द रेंज ऑफ 71 to 73.65 with a stop loss at 65 and a target of 83. इस स्टॉक ने हाल ही में क्वार्टरली स्केल पर राउंडिंग फॉर्मेशन से ब्रेकआउट किया है। इसके अलावा हमने डेली टाइम फ्रेम में भी कंफर्म ब्रेकआउट देखा है फ्रॉम इट्स पोलन फ्लैग पैटर्न। यही पैटर्न इंडिकेट करता है कि बुलिश मोमेंटम इज अंडर वे। ADX रीडिंग अक्रॉस टाइम फ्रेम्स 36 से ऊपर है। कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्टर्स, हम आपको ये स्टॉक खरीदना रिकमेंड करते हैं। अगर आपको हमारे इनसाइट्स और स्टॉक रिकमेंडेशंस पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताना। हैप्पी ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट्स इन द सिक्योरिटी मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।